नमस्कार, डिजियाना न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं दीपिका। रब की बनाई इस कायनात को लेकर हर आमो खास सभी के जहन में कुछ सवाल होते हैं और जिनके जवाब जानने के जतन लगातार किए जा रहे हैं। खैर, ये तो रही विज्ञान जगत की बात, लेकिन बात करें अगर कला जगत की, तो रब की बनाई एक बहुत ही खूबसूरत रचना आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रब की बनाई इस खूबसूरत कायनात को समझने की कुव्वत तो शायद ही हम में हो, लेकिन कुछ सवाल जवाब के जरिए हम एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा कायनात अरोरा को जानने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस कायनात अरोरा से। स्वागत है कायनात आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आई एम नॉट वेल। ओके, पर आई थिंक तबीयत ठीक नहीं है तो अच्छी लग रही होंगी। नहीं, पर आप बाकी बहुत खूबसूरत लग रही है। कैसे मेंटेन करती है अपनी खूबसूरती को, अगर आप कोई टिप्स शेयर करना चाहें तो? कुछ भी खास नहीं करती हूँ। आई थिंक आई जस्ट वर्क हार्ड, आई मेंटेन माय डाइट, आई डोंट वर्क आउट टू मच, बट आई डू गो टू द जिम टू डू कार्डियो एंड आई ईट राइट एंड आई ईट ऑन टाइम। योगा पे भरोसा करती हैं? हाँ, योगा में मैं मेडिटेशन ज़्यादा करती हूँ और स्ट्रेचेस, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जस्ट फॉर माई मेंटल पीस, बिकॉज द काइंड ऑफ प्रोफेशन वी आर इन, हम लोग इतना हेक्टिक शेड्यूल रोज़ जीते हैं कि उसमें हम मेडिटेट करना भूल जाते हैं, खुद के लिए टाइम देना भूल जाते हैं। तो मैं मेडिटेशन करती हूँ, योगा करती हूँ और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ। ज़्यादा हार्ड कोर वर्कआउट नहीं करती हूँ, लेकिन खाना राइट खाती हूँ। ठीक है। एक सवाल जो हमेशा जब हम किसी बड़ी शख्सियत से बात कर रहे होते हैं या उसके बारे में कह रहे होते, सुन रहे होते, तो एक सवाल सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो ये होता है कि वो आखिर इस मुकाम तक पहुंचा कैसे, कैसा उसका सफ़र रहा, क्या उसने संघर्ष किया है, उसमें क्या अलग बात है। तो अपने संघर्ष के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। संघर्ष तो हर आर्टिस्ट की लाइफ का एक ऐसा सीक्रेट है जो कभी कभी तो बाहर आ जाता है, कभी कभी आर्टिस्ट के साथ ही चला जाता है। हर इंसान ने संघर्ष किया होता है और मैंने भी हार्डवर्क किया है। मैंने कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि मैं फिल्म लाइन में आऊँगी, लेकिन हाँ, जब मैं 8 साल की छोटी बच्ची हुआ करती थी तो मैं गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलती थी, मेरे छोटे छोटे बाल थे, तो मैं अपनी कज़न सिस्टर से अक्सर कहा करती थी कि जब हमारे बाल इतने लंबे हो जाएंगे कमर जितने, तो हम दोनों बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस बनेंगी और एक नोन सेलिब्रिटीज़ बनेंगे, हम फिल्मों में नज़र आएंगे दोनों, क्योंकि जो फिल्मों में हीरोइनें होती हैं उनके लंबे बाल होते हैं जी, जी। और छोटे बच्चों के बाल तो छोटे होते हैं जी। तो छोटे बच्चों के जो छोटे बाल होते हैं वो हीरो हीरोइंस नहीं बनते हैं। जिस दिन हमारे बाल लंबे हो जाएंगे हम दोनों भी फिल्मों में काम करेंगे। बचपन से ही सपना था मतलब आपका ये? एक 8 साल के बच्चे ने सबकॉन्शियसली बोला था, सोचा नहीं था कॉन्शियसली कि मैं इस लाइन में आ जाऊँगी। Consciously it was never the plan, but then I am pursuing it by choice. And I used to tell my sister, my cousin sister, कि हमारे पास लंबी सी गाड़ी होगी और जब हम अपने शहर वापस आएंगे उस गाड़ी में तो हम ऐसे वेव करेंगे फैंस को और हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। तो मेरी सिस्टर ने पूछा कि क्यों पहचानेंगे, क्यों नहीं? आई सेड क्योंकि अभी हम बच्चे हैं, छोटे बाल हैं, लंबे बाल हो जाएंगे तो लोग पहचान नहीं पाएंगे। तो हीरोइनों के तो लंबे बाल होते हैं। तो गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलते खेलते ऐसी कुछ मैंने बचकानी बातें की थी जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सच में ऐसा कुछ करने वाली हूँ। क्योंकि जब मैं बड़ी हो गई तब मैंने मर्चेंडाइजिंग करने का प्लान किया एंड आई फिनिश्ड माय कॉलेज, माय स्कूल, एंड दैट वाज इन सहारनपुर। इट्स अ वेरी स्मॉल सिटी इन यूपी। सो आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम देयर एंड आई रीच्ड दिल्ली। सो आई decided to do merchandising from NIFT, National Institute of Fashion Technology, which is Asia's number one institute. तो मैंने सोचा नहीं था, पहली बात तो इतने बड़े institute में भी पढ़ने का मौका मिलेगा। Fashion designing करने का मन बना जी। लेकिन करते करते मैं एक दिन road cross कर रही थी तो मुझे fashion photographer अनुज पारथी हैं, उन्होंने मुझे road cross करते हुए देखा। उनको लगा शायद मैं कश्मीरी लड़की हूँ, गोरी हूँ, लंबे बाल हैं और ये क्लेफ्ट है मेरे चिन पे, तो कुछ उनको कश्मीरी बातें दिखी लगा, हाँ। और उन्होंने मुझे सत्यपाल जैकेट्स का ऑफर सड़क पर ही दिया। तो मुझे थोड़ा शौक सा लगा क्योंकि मैं इंडस्ट्रियस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर बिजनेसमैन हैं, आई थॉट वो अलाउ नहीं करेंगे। एंड फोर्सफुली उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया कि अगर मन बनाओ तो सत्यपाल का शूट है जी।
कश्मीरी जैकेट्स का है, तो मैं लेकर कार्ड आ गई, ये नहीं सोचा था कि हॉस्टल पहुँचते ही लड़कियाँ ब्रेन वॉश कर देंगी। तो फिर फाइनली मेरा जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म था, आई लैंडेड अप विदाउट पोर्टफोलियो, विदाउट रियली स्ट्रगल्ड, आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक ऑन द रोड एंड दैट वॉज फॉर सत्यपाल जैकेट्स, एंड दैट्स हाउ माई मॉडलिंग इन लाइक जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। फैमिली बैकग्राउंड, जैसा आपने बताया इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड रहा है आपका, क्या फैमिली सपोर्ट रहा आपको जब आपने ये फैसला किया? इनिशियली तो नहीं था, मेरे फादर अगेंस्ट थे क्योंकि हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है और हम केमिकल्स की हमारी यूनिट्स हैं और वी मैन्युफैक्चर पॉलीगम एंटीफोम। मेरे फादर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मेरा पूरा कजन्स वगैरह सब बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं एंड आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, सो दे थॉट प्रॉब्ली आई विल जॉइन द बिजनेस, बट देन आई हैड समथिंग एल्स स्टोर्ड इन माई डेस्टिनी। तो मॉडलिंग क्योंकि शुरू हो गई थी, साथ साथ मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो मैंने कॉलेज भी फिनिश किया और मैं मॉडलिंग करते करते मुझे एक दिन एक कोरियोग्राफर का कॉल आया, उन्होंने बोला कायना था मिस केरला कॉन्टेस्ट हो रहा है जी, मिस केरला पैजेंट, और उसको जज करने के लिए आप केरला जाओ। तो एकदम इम्प्रॉम्प्टू प्लान था, मैं केरला पहुंची मिस केरला कॉन्टेस्ट जज करने के लिए। प्रियदर्शन डायरेक्टर मेरे को जज थे जी, उषा उत्तप मेरी को जज थी जी, और उसी पैमाने पे साउथ के और भी सुपरस्टार्स बैठे थे। तो मुझे जजिंग प्लेटफॉर्म पे जहाँ मैं जज कर रही थी मिस केरला कॉन्टेस्ट, प्रियदर्शन ने मुझे मेरा ब्रेक दिया और मुझे अक्षय कुमार के ऑपोजिट खट्टा मीठा में रंग चढ़ा है रंग चढ़ेगा, आइला रे आइला तिचम आइला सॉन्ग मिला जो सुपर डुपर हिट गया और दिलेर मेहंदी ने गाया था जी। ये तो बात रही, जैसा आपने बताया कि डेस्टिनी ने शुरुआत की थी, फिर आप अपने मेहनत से इस मुकाम तक पहुंची, संघर्ष आपका रहा ही है। हाँ, लेकिन तो हर चीज में रहता है जी, लेकिन मुंबई में ऐसा कहा जाता है कि अपनी जगह बनाना और टिके रहना गॉडफादर के बिना लगभग नामुमकिन होता है, तो ऐसा कोई शख्स आपके जीवन में? मैं सबको मालूम ही है दिव्या भारती मेरी कजन सिस्टर थी, अब तो वो नहीं है, लेकिन मुझे इतना बेनिफिट नहीं हुआ इस चीज का जी, किसी को भी नहीं होता है, आपका टैलेंट ही आपको बेनिफिट देता है, आप किसके रिश्तेदार हैं या किसके बेटे या किसकी बेटी ये मायने नहीं रखता है, आपका टैलेंट आपका लक आपकी डेडिकेशन और आप कितने फोकस हैं वो सब आप पे निर्भर करता है। मेरे भी कुछ प्लान्स थे लेकिन मैंने एज सच प्लान्स बनाए भी नहीं थे, इट्स लाइक दैट बुक द पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग, इट्स कॉल्ड द ब्लिंक। ब्लिंक एक किताब है जिसमें लिखा गया है द पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग, तो मेरी लाइफ में सब चीज़ें ऐसी रही हैं, द पावर ऑफ प्लानिंग विदाउट प्लानिंग, आई प्लान बट आई प्लान इन माई सबकॉन्शियस माइंड बट आई रियली डिडंट प्लान कॉन्शियसली एनीथिंग, और मेरा हार्डवर्क ही है जो मुझे यहाँ लेकर आया है। किसी का सहयोग नहीं रहता है, आप खुद खुद की मदद करते हैं, आप खुद को आगे लेके जाते हैं। हर इंसान को सुपरस्टार बनना है, मुंबई एक माया नगरी है, लाखों करोड़ों की तादाद से लोग आते हैं सपने लेकर, हर किसी को दीपिका या करीना बनना है, लेकिन दीपिका एक ही है करीना भी एक ही है। आप जो हैं आप अपने लिए कुछ खास कर सकते हैं, अगर मैं कायनात हूँ मैं कायनात ही रह सकती हूँ और कायनात से ही कुछ खास करके दिखा सकती हूँ, और जो मेरे दायरे के अंदर है मैं उस दायरे में रह के काम करती हूँ, उस दायरे में रह के मैं रोज़ बिजी रहती हूँ, रोज़ अच्छा काम कर रही हूँ, मैं साउथ की भी फिल्में कर रही हूँ, मैं पंजाबी फिल्म भी कर रही हूँ, हिंदी फिल्में भी कर रही हूँ, मैंने सोनू निगम का भी हाल ही में टोटा सॉन्ग जो किया था सुपर हिट हुआ जी, और म्यूज़िक वीडियोस भी कर रही हूँ, शो स्टॉपर भी हूँ, रिबन कट, सो आई एम बिजी लाइक आई एम हैंड्स फुल, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू सी योर सक्सेस रेट एज। मैं ये मानती हूँ हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है जी, उसमें सिर्फ एक एक्टर और एक्ट्रेसेस ही नहीं है जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं जी, मीडिया लाइन के लोग भी फिल्म इंडस्ट्री में ही माने जाते हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, हर इंसान की अपनी एक जगह है। कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं जो सिर्फ फिल्म में करना चाहते हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ वेब सीरीज भी करना चाहते हैं जी, कुछ हैं जो सीरियल्स करते हैं, कुछ हैं जो मेकअप मैन बन जाते हैं यू नो, और कुछ हैं जो शोज भी करते हैं, इनॉग्रेशंस भी करते हैं, सो इट इज़ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आई रियली डोंट सी films as just films, it's all about entertainment. So we are entertaining our audience, we are entertaining our fans, as long as you're busy and doing good productive work, it's all good. खट्टा मीठा में आपने सॉन्ग किया था रंग चढ़ा है रंग चढ़ेगा, लेकिन जो एक्चुअल डेब्यू था आपका, जो फिल्म थी ग्रैंड मस्ती, 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था उसने आपकी डेब्यू फिल्म ने, उसके बाद लगातार आपने फिल्में की लेकिन भाषाई फिल्में, हिंदी फिल्मों में आप कम नजर आई, क्या कारण रहा?
अगेन लाइक आई सेड इट्स नॉट अबाउट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इट इज़ अबाउट इंडियन सिनेमा. हमें हम बहुत मतलब खुल नहीं पा रही है इंडिया की सोच. हमें ऐसा क्यों लगता है कि हिंदी फिल्म करना है तो वही सक्सेस रेट है आपका? इट इज़ अबाउट इंडियन सिनेमा, इट इज़ अबाउट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जिसमें कई सारी भाषाएं हैं, हिंदी, तेलुगू, तमिल, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, मराठी. सो एज एन आर्टिस्ट मुझे जहाँ पर अच्छी क्रिएटिविटी प्रेजेंट करने को मिलेगी, मुझे अपने आप को एज एन आर्टिस्ट प्रेजेंट करने को अच्छा मुझे स्क्रिप्ट मिलेगा और मुझे प्रूव करने को मिलेगा कि मैं एक अच्छी अभिनेत्री हूँ और अच्छे किरदार निभा रही हूँ, जहाँ मैं अपना टैलेंट शोकेस कर पाऊँ और जहाँ मुझे अच्छे मौके मिले, मैं हर चीज़ ग्रैब करूँगी. मुझे अगर मलयालम फिल्म मिलेगी मैं वो भी करूँगी, जो मैंने किया मोहनलाल के साथ. मोहनलाल वहाँ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं. लैला और लैला वॉज अ मोस्ट एक्सपेंसिव मलयालम फिल्म टिल डेट, and he is like as big as Amitabh Bachchan or Salman Khan in Malayalam industry. And in Tamil also I have worked opposite Ajit Kumar, and Ajit is a huge big name. Ajit Thala, like it's like Rajinikanth and Kamala Hassan and Ajit Kumar, they are like one of the top three actors. So I have worked with all the big stars, be it Akshay Kumar, be it Ajit Kumar, be it Mohanlal, or in Punjabi I've done film with Gippy Grewal, he's a superstar. Diljit Dosanjh and Gippy, like they are the two biggest superstars in Punjab. So I'm doing good work with good artists and good cinema and good scripts. So as long as the directors who are willing to work with me, jo mere sath kaam karne ke mood mein hai ya mujhe achhi scripts la ke dete hai, main wo kaam karti hu. और हिंदी की जहाँ बात है तो मैंने जब ग्रैंड मस्ती करी तो मैं बहुत बिजी हो गई, क्योंकि मुझे मलयालम फिल्म की ऑफ़र आ गई, तमिल की भी आ गई, पंजाबी की भी आ गई. तो मैं फिर लाइक अमेरिका में थी 2 महीना, एक फिल्म कर रही थी मैं. तमिलनाडु में थी, एक फिल्म कर रही थी. फिर मैं बैंगलोर चली गई, केरला में थी, तो ट्रैवल कर रही थी. मैंने उसके बाद 2 हिंदी फिल्में की थी राम गोपाल वर्मा के साथ. फिल्म का नाम है सीक्रेट इन हिंदी, और उसकी बायलिंगुअल फिल्म तेलुगु में भी की थी हमने, मोगली पुवू. बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन जब सरकार फ्लॉप हो गई राम गोपाल वर्मा की तो हमारी फिल्म अटक गई. तो हम लोग बिजी रहते हैं, आर्टिस्ट लोग काम करते जाते हैं. अब कौन सी फिल्म पहले आ जाती है, कौन रुक जाती है, वो हमारे हाथ में नहीं है. हमारा काम है, फ़र्ज़ है काम करना. मैंने ऋषि जी के साथ भी हाल ही में एक फिल्म फिनिश की है, आई बलाकू टालतू, एंड दैट वॉज अ कॉमेडी फिल्म. अब वो कब रिलीज होगी वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के हाथ में है. लगातार आप बड़े स्टार्स जो है उनके साथ काम कर रही हैं, तो कैसा उनका बिहेव रहता है? जैसे कि आप का बैकग्राउंड नॉन फिल्मी रहा है, कजिन जरूर इस फील्ड में थी लेकिन वो अब हमारे बीच नहीं है लंबे वक्त से, तो आपको उसका फायदा ज्यादा मिल नहीं पाया. और दूसरी चीज, लगातार आप बड़े स्टार्स के साथ काम कर रही हैं, तो क्या उनका बिहेव रहता है और आप उनसे क्या सीख रही हैं? It's always good to learn from senior actors. When I got an opportunity to work with superstar Akshay Kumar, I was like this one child who just entered the set, और मुझे ऐसा लग रहा था कि you know like एक dream की तरह लगा मुझे. और जब मैंने उनको देखा, बहुत sweet, humble, down to earth इंसान है अक्षय कुमार, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एंड हाउ स्पॉन्टेनियस ही इज़ विद स्टेप्स एवरीथिंग. आई वॉज लिटिल बिट हेजिटेंट एंड नर्वस, बट देन he made everyone comfortable on the set and it was a very lovable environment because he's very funny. तो सीखने को ही मिलता है क्योंकि ये लोग सब सीनियर हैं. मैंने रितेश देशमुख, विवेक ओब्रॉय के साथ भी फिल्म की, तो वो लोग भी फ़नी थे और बहुत कॉपरेटिव थे. कहीं ना कहीं अगर आपका आपके जो को स्टार हैं अगर वो मतलब अच्छे हैं, तो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत कम्फर्ट लेवल बढ़ जाता है कि आप और अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाते हो. कहीं ना कहीं एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट नहीं रहता है, इट बिकम्स लाइक वन बिग फैमिली. सो या एंड देन मोर देन हिंदी, इट वाज मोर चैलेंजिंग फॉर मी टू डू मलयालम और तमिल और तेलुगु बिकॉज द लैंग्वेजेस आर डिफरेंट. एंड इवन पंजाबी वाज एज डिफिकल्ट एज हिंदी बिकॉज आई एम अ पंजाबी गर्ल, बट वी डोंट स्पीक इन पंजाबी. बॉम्बे में कौन पंजाबी में बात करता है, यू नो? तो चैलेंजेस बहुत फेस करने को मिलते हैं जब लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं. बट देन एंड ऑफ द डे इट्स लाइक आप यू गोइंग बैक टू द स्कूल और आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं और आप पढ़ रहे हो और दोबारा से एग्ज़ाम दे रहे हो और पास हो रहे हो, कितने मार्क्स आएंगे वो तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है. बट देन वी जस्ट वर्क हार्ड. इनफैक्ट अभी मैंने एक और फिल्म फिनिश करी है, एंड इट्स अ हॉरर कॉमेडी, इट्स अ हिंदी फिल्म, इट्स कॉल्ड खली बली. धर्म जी के साथ मैंने ये फिल्म करी है, मधु
भी इसमें हैं, आपने रोज़ा में मधु को देखा होगा जी, बिल्कुल, रजनीश दुग्गल, विजय राज, असरानी, राजपाल यादव, वेरी गुड स्टार कास्ट, सभी आपके हाँ. ये डेस्टिनी आपका साथ दे रही है और हाँ. सारे बड़े स्टार्स के साथ आपको काम करने का मौका भी मिल रहा है. जैसा कि आपने बताया कि अलग अलग लैंग्वेजेस में आपने मूवीज की है और आपको दिक्कतें भी आई हैं, लेकिन एक्सप्रेशन वगैरह क्या आपको इन दिक्कतों के कारण एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आई है या कुछ और क्या दिक्कतें आपको? दिक्कतें ऐसी होती हैं कि आपको लर्न करना, अब तमिल है, अभी मान लो मलयालम है, कनलू न जान, अब ये वर्ड्स हमने नहीं सुने जी, ठीक है, तो उसमें क्या है कि मुझे रटना पड़ता है, लेकिन फिर मुझे उसके मीनिंग समझने पड़ते हैं जी, मीनिंग समझने पड़ते हैं तो वो एक अलग टास्क हो गया, फिर आपको उसके इमोशन समझने पड़ते हैं, वो थर्ड टास्क हो गया, फिर फोर्थ हो गया आपको इमोशंस निकालने हैं प्लस आपको याद रखने हैं डायलॉग्स जी. तो मेरे टीचर होते हैं सेट्स पर जी, जो मुझे ये सब लाइंस कराते हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, तो वो समझने के बाद देन आई हैव टू लर्न क्रैम माय डायलॉग्स एंड रिमेंबर द एक्सप्रेशंस एंड रिमेंबर द मूड. अंतर क्या रहता है जब आप बॉलीवुड की बात करें, टॉलीवुड की बात करें, या बंगाली सिनेमा या पंजाबी सिनेमा, क्या आपको काम करने के तरीके में अंतर नज़र आता है? बस सिर्फ लैंग्वेज का अंतर होता है, एक्टिंग तो इंसान की वो जो आपको परफॉर्म करना है वो करना ही पड़ता है. लेकिन जो डायरेक्टर्स होते हैं क्या उनका तरीका अलग होता है? आई डोंट थिंक सो, एवरीवन इज सो प्रोफेशनल नाउडेज, बी इट तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, हिंदी, जितने मैंने जॉनर्स में काम किए हैं उसमें सभी प्रोफेशनल हैं, सिर्फ फ़र्क लैंग्वेज का होता है कि हमें लैंग्वेज वो समझनी पड़ती है, या अगर सेट पर तमिल में बात हो रही है या मलयालम में तो वो हमारे सिर के ऊपर से जाती है, अगर मैं आपके आगे चाइनीज़ रख दूँगी तो आप समझ नहीं पाएंगे, बिल्कुल until unless नीचे उसके सब टाइटल्स चल रहे होंगे जी. तो मैं ये हमेशा मानती हूँ कि जैसे जैकलिन हो गई या कैटरीना कैफ, एनी फॉरेनर एक्ट्रेसेस हु हैव कम टू इंडिया और वो आके यहाँ पे टॉप स्टार्स बनी हैं, तो बहुत लोग बोलेंगे अरे तो बाहर से आके ये लोग हिंदी इंडस्ट्री को कैप्चर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है जी, क्योंकि हमारे लिए हिंदी बोलना आसान है, ये उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, अगर वो उस लैंग्वेज को बोल के भी सुपरस्टार्स बन रही हैं तो डेफिनेटली इट इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, डेफिनेटली इन लड़कियों ने बहुत हार्ड वर्क किया है, वरना इट इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. बहुत मेहनत की है आपने भी इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, जो मुकाम आपने पाया क्या अब तक जो भी आपने किया उससे संतुष्ट हैं? आई थिंक any artist who becomes content in life cannot progress. मैं content नहीं हूँ अपनी life से और ना ही मैं संतुष्ट हूँ, और as an artist हर artist को एक greed होती है, मुझे भी greed है, मुझे काम की भूख है जी, और मुझे खुशी है कि मुझे काम की भूख है और मैं चाहती हूँ ये भूख बरकरार रहे जी. जितना इंसान भूखा होता है उतना ही अच्छा काम करता है, और मैं ये मानती हूँ काम उसी को मिलना चाहिए जिसे काम की भूख हो. आपका बोल्ड अंदाज बहुत लोकप्रिय है, इंटरनेट सेंसेशन जैसा आपको खिताब भी मिला really? है तो, जी बिल्कुल, युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं आप तो अच्छा. कितना ज़रूरी आप बोल्डनेस को मानती है सक्सेस के लिए, और बोल्डनेस की क्या डेफिनेशन है आपके लिए? मैं बोल्डनेस इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि आपने रिवीलिंग कपड़े पहने तो आप बोल्ड हो गए. ऑनेस्टली मैं पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी रिवीलिंग कपड़े पहनना भी पसंद नहीं करती हूँ जी, और मैं नॉर्मली ऐसी जीन्स, टी शर्ट्स, शर्ट्स, और घर पे भी मैं नाइट सूट्स में ही होती हूँ जी. तो हाँ, अगर किरदार निभाना है तो उसमें बोल्ड कपड़े पहनने पड़ते हैं आपको. हाँ, लेकिन मैं वैसे बोल्ड उस सेंस में कह सकती हूँ कि मैं अकेली बॉम्बे में रह रही हूँ और अपना घर चला रही हूँ, खुद को पाल रही हूँ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ जी, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर रही हूँ, अलग अलग लैंग्वेजेस में काम कर रही हूँ, अपना काम खुद हैंडल करती हूँ, तो ये एक बोल्ड इंसान ही कर सकता है. अगर आप बोल्ड नहीं होते तो आप नहीं कर पाते. बट बोल्डनेस की अगेन हर इंसान की अलग परिभाषा है. दैट डजंट मीन कि मैं बोल्ड अपने विचारों में हूँ या थॉट्स में हूँ या अपने रहन सहन में हूँ. रहन सहन में मैं एक सिंपल, एक आम लड़की की तरह हूँ और आम चीज़ें ही पसंद करती हूँ. बिल्कुल, बोल्डनेस की आपसे बात हुई है, युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय है बोल्डनेस की आपने डेफिनेशन भी बताई, लेकिन ये एक अलग किरदार, ये एक अलग आपका जो व्यक्तित्व है वो लोगों के बीच में है, लेकिन आपके व्यक्तित्व की एक और जो बात करूँ अगर मैं, तो आपने जिस उम्र में बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं आपने किसी को अडॉप्ट किया है, तो उनके बारे में कुछ बताएं. मैंने एक बूढ़ी महिला को अडॉप्ट किया था 9 साल पहले जी, और महाराष्ट्रियन है वो जी, और मैं पंजाबी हूँ. तो जब मैं बॉम्बे आई तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो बहुत बुरी परिस्थिति में थी, गरीब थी जी, और उनको काम चाहिए था, तो मुझे लगा एक बूढ़ी औरत को कैसे मैं काम दिलाऊं जी.
तो उन्होंने बोला कि आप कुछ भी काम दिला दो चलेगा। जी, तो जी. बहुत बुरी हालत में थी मेरी। मैं खुद उस टाइम इतनी सक्सेसफुल नहीं थी कि मैं उनको अपने पास रख पाऊँ, क्योंकि मैं नई नई बॉम्बे आई थी। और बॉम्बे में क्या होता है ना कि जैसे हमारे मेरे पेरेंट्स हैं वो तो खुद बंगलों में रहते हैं। जी जी। बॉम्बे में बंगलोज में नहीं रह जाता है, फ्लैट सिस्टम होता है। एंड आई थॉट मैं खुद अभी यहाँ आई हूँ, मुझे खुद एक इस्टेब्लिश्ड होना है, तो मैं कहाँ रख पाऊँगी इनको अपने साथ जी। और कौन केयर करेगा उनकी, रख भी लूँ तो जी, क्योंकि मैं खुद ट्रैवल करती रहूँगी। बट वो मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती जा रही थी, क्योंकि जब मैं आई तब मैं हॉस्टल में थी और मुझे वहीं मिली जी। एंड शी वॉज़ वेरी ओल्ड, तो उन्होंने मुझे बोला मुझे काम दिला दो। मेरे अंदर से मुझे आवाज़ नहीं आई कि काम इनको करना चाहिए, बट फिर भी मैंने हिम्मत करके उनको बोला मैं आपको अडॉप्ट करती हूँ, लेकिन इसी कंडीशन पे कि आपकी लास्ट राइट्स तक आप मेरे पास रहेंगे जी। और मैंने उनको बोला मैं आपको मंथली 3,000 पॉकेट मनी दूंगी, ये आपकी पगार नहीं है, आपका सैलरी नहीं है जी, ये आपकी पॉकेट मनी है, और आपका जो दवा पानी खाना खर्चा सब ट्रैवल सब आई विल लुक आफ्टर। और फिर मैंने उनको अडॉप्ट किया एंड उनके आशीर्वाद लेके मैं घर से निकलती थी। उनके आशीर्वाद लिए बगैर मैं घर से पहला कदम निकालती नहीं थी। ऐसे करते करते मेरी प्रोग्रेस होती गई और मैं उनको अपना लकी मैस्केट ही मानती हूँ। एंड 9 ईयर्स मैंने उनकी सेवा करी, तो मैं मेरे घर में उनके साथ रहती हूँ। लेकिन अभी वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, 87-88 हो गए हैं, तो वो अपने घर चले गए हैं क्योंकि उनके बच्चों को भी उनकी ज़रूरत है इस टाइम जी। तो मैं नहीं चाहती थी कि, जबकि मैं चाहती थी उनकी लास्ट राइट्स मेरे साथ ही हों, लेकिन उनके बच्चों को सडनली उनका प्यार उमड़ा जी, कि अब हमारी मतलब मम्मी को आ जाना चाहिए जी जी, कि कितने दिन रह गए हैं। तो उनकी इच्छा थी कि मैं कुछ दिन बच्चों के साथ गुजारना चाहती हूँ, तो कुछ ही दिन पहले वो अपने घर चले गए हैं। अंत में चाहूँगी कि डिजियाना के दर्शकों के लिए आप कोई मैसेज दें। मैं यही बोलूँगी कि आप अपने माँ बाप को इतना प्यार दीजिए कि उनको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसी क्यों नौबत आए कि हमारे माँ बाप बड़े बुज़ुर्गों को वृद्धाश्रम जाना पड़ता है, ये अच्छी बात नहीं है जी। मैं खुद बूढ़े लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। अगर मेरे पास बहुत बड़ा घर होता तो मैं दुनिया की सारी बूढ़ी औरतों को अडॉप्ट कर लेती। इंसान पैसों से अमीर नहीं, दिल से अमीर होता है। तो थोड़े दिल से अमीर हो जाइए और अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, और ऐसी नौबत ना आने दीजिए कि किसी भी बूढ़ी औरत को या किसी बूढ़ी विधवा माँ को वृद्धाश्रम जाना पड़े। धन्यवाद कायनात इतनी बातें हमसे शेयर करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ कायनात अरोरा, बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस, जिनका अलग अलग अंदाज हमने आज जाना, उनके व्यक्तित्व की अलग अलग बातें आज हमने जानी। डिजियाना न्यूज़ पे खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप हमारे साथ बने रहिए।